तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले SRF लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे SRF का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें SRF कंपनी के लिए ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल लेवल्स एंड टारगेट्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर SRF की, तो ओवरऑल इस स्टॉक का भी जो व्यू है वो नेक्स्ट वीक के लिए हमें कहीं ना कहीं वापस से एज इट इज़ जो है वो पॉजिटिव नोट पर ही, पॉजिटिव साइड पर ही बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब लेवल्स यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, तो SRF ने यहाँ पर क्या किया है, रिसेंटली हमें ऑलमोस्ट 2300 के अराउंड से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर एक अच्छा खासा बाउंस दिखाता हुआ स्टॉक जो है वो हमें देखने को मिला है। अगर मान लो ये बाउंस यहाँ पर जो है वो फर्दर चल गया, एंड अगर मान लो स्टॉक के अंदर जो है वो फर्दर एज इट इज़ रिवर्सल आया, तो ये काउंटर धीरे धीरे करके हमें 2400 के बाद जो है वो 2500 एंड उसके बाद 2650 से लेकर 2700 रुपीज़ तक भी आराम से भागता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये की लेवल से जो आपको SRF के लिए ध्यान में रखने हैं। व्यू पॉजिटिव तब तक है जब तक काउंटर 2300 के ऊपर है, 2300 के नीचे निकल गया तो ईजिली 2100 रुपीज़ तक की भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी।